हेलो व्यूअर्स, एरिनास कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। घर पे बनाओ, हेल्दी खिलाओ। मेरा ये मानना है कि हम घर पे कुछ भी बना ले, बाहर से तो हेल्दी ही होता है। तो चलिए आज की रेसिपी में क्या बनाते हैं देख लेते हैं। मैंगो मठो बनाएंगे। जो गुजरात में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि मठा किसको बोलते हैं, पर गुजरात के बाहर श्रीखंड के नाम से ही जाना जाता है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन तो रहता ही होगा कि श्रीखंड और मठे में डिफरेंस क्या है, तो वो भी आज रेसिपी में मैं बताऊंगी। साथ में ऐसी एकदम फुली फुली और सॉफ्ट पूरी कैसे बनानी है वो भी बताऊंगी। तो चलिए काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मठा या श्रीखंड बनाने के लिए हमेशा फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से एक बर्तन पे छलनी रखनी है और छलनी पे इस तरीके का मलमल का कपड़ा। इसमें मैंने 600 ग्राम दही लिया है। अगर आपके पास फुल फैट दूध का दही नहीं है तो भी चलेगा, पर दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसे इस तरीके से बंद कर देंगे कपड़े से ही और इस पर वजन रख देंगे। वैसे तो छलनी पे ना रख के इसे कहीं टंगा भी सकते हैं, पर हमको 8 से 10 घंटे के लिए इसको टंगाना पड़ेगा और उतनी देर में दही खट्टा हो जाता है, इसलिए मैं इस मेथड का इस्तेमाल करती हूँ। अब इसके ऊपर वजन रख देंगे थोड़ा सा। वजन रख के इसे कम से कम फ्रीज में 8 से 10 घंटे के लिए रहने देंगे। दही को चेक करने से पहले आटा गूंथ लेंगे। 2 कप गेहूं का आटा लिया है। रोटी का जो नॉर्मल आटा आता है उसे छान के लेना है। इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। पूरी के आटे में हमेशा थोड़ी सूजी डालिए, उससे आपका आटा ढीला नहीं पड़ेगा। 2 छोटे चम्मच तेल डाला है। अब इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ के तैयार करेंगे। यहाँ पे हमको पराठे का जो आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा गूंथना है। मेरे पास ठहने का पानी बचा हुआ था तो मैं इससे आटा गूंथ रही हूँ। आप नॉर्मल पानी लेना हो तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके का सख्त डो तैयार करेंगे और इसे ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। मैंगो मठा बनाने के लिए इस तरीके की 2 छोटी कैरी का इस्तेमाल किया है। सिर्फ हमको 1/2 कप ही मैंगो पल्प चाहिए इसमें। अब इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी कैरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हापूस है, केसर है, पायरी है, सुंदरी है। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि कैरी एकदम मीठी होनी चाहिए और उसमें से पल्प ज़्यादा और जो रसा है वो कम निकलना चाहिए। इसी तरीके से कैरी को कट कर लेना है। थोड़े गार्निशिंग के लिए आम के पीसेस रख के बाकी के पीसेस को मिक्सी जार में लेके इसको पीस के पल्प बना देना है। इसमें कोई भी पानी या शक्कर मिक्स नहीं करनी। देखिए इस तरीके से एकदम अच्छे से गाढ़ा पल्प तैयार करेंगे। अब दही को चेक करेंगे। मैंने दही को दूसरे बर्तन पे ले लिया है। इसके ऊपर से वजन हटा देंगे और कपड़े को खोलेंगे। सारा दही छलनी पे ले लेना है। हाँ, तो अब बताती हूँ, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि मैंगो श्रीखंड और मैंगो मठा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस तरीके से छलनी में ही दही का चक्का निकाल देना है। शक्कर लेनी है, 1/2 कप शक्कर ली है। शक्कर कंपलसरी आपको यहाँ पे पीसी हुई लेनी है और जो मैंगो पल्प लिया है वो भी इसमें निकाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को छलनी में अच्छे से छान लेना है। इस तरीके से छलनी में छान के उसके बाद जो तैयार होगा उसको मठा बोलते हैं। और छलनी में छाने बिना डायरेक्ट दही और शक्कर को जो मिक्स करते हैं और फेंटते हैं 5 मिनट के लिए, उसे श्रीखंड बोलते हैं। सिर्फ मठे और श्रीखंड में ये एकदम छोटा सा ही डिफरेंस है और इसी डिफरेंस की वजह से मठे और श्रीखंड के टेक्सचर में थोड़ा सा फर्क रहता है। इसलिए वैसे देखा जाए तो आज हम जो बना रहे हैं इसे आप आम्रखंड यानी कि श्रीखंड के जैसा भी बोल सकते हैं। छलनी से छान के इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम इतना जायफल का पाउडर डालेंगे। ये टेस्ट बहुत ही अच्छा देता है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिए। और वैनिला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट अपने घर पे जो भी अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पर मैं यहाँ पे आपको इलायची का पाउडर इस्तेमाल करने का सजेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इलायची का पाउडर है वो आम का टेस्ट कम कर देता है।
तो लीजिए हमारा सुपर टेस्टी और एकदम बाहर से भी अच्छा ऐसा बिना प्रिजर्वेटिव के मैंगो मठा यानी कि आम्रखंड यानी कि आम का श्रीखंड तैयार है। अगर इस आम की सीजन में आमरस से कुछ अलग खाना चाहते हैं तो इस आम के श्रीखंड को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये बनाने में बिल्कुल झंझट भी नहीं है और आप जानेंगे कि ये कितने सस्ते दामों में कितना अच्छा घर पे आम्रखंड तैयार हो जाता है। जब तक पूरी बनाते हैं तब तक इस आम्रखंड को फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अगर आम का श्रीखंड इतना अच्छा बना हो और पूरी में थोड़ी कचास रह जाए वो कैसे चलेगा, तो चलिए पूरी भी एकदम अच्छी फूली फूली बनाते हैं। जिसके लिए थोड़ा सा तेल डाल के आटे को पहले तो अच्छे से मसल लेना है। इसमें से मीडियम साइज के लोए तैयार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इस तरह की आटे की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अब पूरी बेलेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी को बेलने के लिए मुझे ना ही यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और ना ही सूखे आटे का। अगर ज़रूरत लगे तो भी सूखा आटा मत इस्तेमाल कीजिए, उसी जगह पे तेल इस्तेमाल कीजिए ताकि तलने के टाइम आपका तेल बिगड़ेगा नहीं। आटा पराठे से थोड़ा सा ही नरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, वरना पूरी है वो तलने के टाइम फूलेगी तो सही पर उसके बाद खाने के टाइम कड़क हो जाएगी। और एक बात और कि यहाँ पे पूरी आपको सारी बेल के इकट्ठा नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पूरी बेलिए और उसके बाद एक तरफ धीमी आंच पे तेल को गरम रख के पूरी तलते जाइए। देखिए तेल मैंने गरम रख दिया था, मीडियम गरम तेल में ही पूरी को फ्राई करना है। पूरी डाल के फ्लेम को मीडियम रखना है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टैप करना है चम्मच से। इसी तरीके से पूरी फूलेगी और पूरी को इस तरीके से फ्राई कीजिए। देखिए एक पूरी फूल जाए उसके बाद यहाँ पे आप दूसरी पूरी डाल सकते हैं। अगर पूरी आपने एक साथ बहुत सारी बेल ली और उसके बाद फ्राई करने जाएंगे तो आपकी पूरी फूलेगी नहीं। पूरी को पलटा के दूसरी तरफ भी मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोनों तरफ से अच्छी एकदम फूली फूली पूरी तैयार है। इसी तरीके से दूसरी पूरी भी फ्राई कर लेंगे। पूरी के लिए बस ये 2-3 बातें मैंने बताई है, अगर ये ठीक से फॉलो करेंगे तो शादियों में खाते हैं उससे भी बहुत ही अच्छी पूरी आप घर पे बना लेंगे। तो ठंडा ठंडा मैंगो मठा और दूसरे स्टेट के हिसाब से बोला जाए तो आम्रखंड, उसके साथ शादियों में मिलने वाली एकदम टेस्टी ऐसे भिंडी की सब्जी। ये शादियों वाली एकदम टेस्टी ऐसी भिंडी की सब्जी डिफरेंट तरीके से कैसे बनानी है उसके लिए आप मेरी रेसिपी भिंडी की सब्जी की चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा घर पे बनाया हुआ अचार भी रखेंगे चटपटा और एकदम सुपर सॉफ्ट और फूली फूली पूरी। आप ही बताइए गर्मियों के लिए अगर आम रस के अलावा देखा जाए तो इससे बेस्ट थाली और कोई हो सकती है? अगर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इतना टेस्टी आम्रखंड घर पे बन जाता हो तो क्यों बाहर से लाया जाए? तो इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार ये फूली फूली सॉफ्ट पूरी और ये आम का श्रीखंड घर पे ज़रूर बना के देखिए। कैसी लगी आज की रेसिपी ये मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कीजिए।